बिहार के कई क्षेत्रों में एक बार फिर से हीट वेव दिखने लगा है। अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र उभर रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कल मोचा तूफान यानी कि बुधवार को मोचा तूफान का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में इसका कितना असर बिहार पर होगा मोचा तूफान का, वो हम जानेंगे। मौसम वैज्ञानिक है हमारे साथ, सीधे इनसे हम मुखातिब होते हैं, आनंद शंकर जी से। बताएंगे सर, मोचा तूफान है उसका बिहार में क्या असर दिख रहा है? हाँ, जैसा कि बात करें जो मोचा साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में बन रही है, तो अभी धीरे धीरे क्लाउड की ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है। इवन आप देख भी सकते हैं थोड़ी सी क्लाउड अभी फॉर्म हुई है, बट स्टिल ये आपका बे ऑफ बंगाल का जो मीन से साउथ ईस्ट पार्ट है उधर को स्थित है, लेकिन ग्रेजुअली ये एक ट्रेजेक्ट्री लेगी। लेकिन बिहार पे इसके इम्पैक्ट की बात करें तो बिहार में इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखें, जैसे कि पिछले कल से ही बिहार के दक्षिण बिहार के कुछ ज़िलों में हीट वेव की कंडीशंस बन रही है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो रही है। तो इस तो मोचा साइक्लोन के थोड़े प्रभाव के कारण थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज से 5वें दिन बनने की संभावना बन रही है। तो उसके कारण से लोगों को हीट वेव या कह सकते हैं कि अधिक टेम्परेचर से राहत मिल सकती है। लेकिन उसके पहले ही करीब 4थे दिन से बिहार में बादल आने की पूरी संभावना है, विशेषकर जो हाई क्लाउड होती है वो आ सकती है। तो कह सकते हैं अगले 3 दिनों तक ही बिहार में के साउथ बिहार के कुछ ज़िलों में हीट वेव जैसी कंडीशंस रहेगी, और अगले जो 3 दिनों तक है जो अधिकतम तापमान है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकती है, उसमें ±1 डिग्री आगे या कम हो सकती है। जी सर, अगर बात करें तो अभी के समय बिहार में कौन से हवा का प्रवाह चल रहा है, और क्या हवा का प्रवाह भी आने वाले समय में इस तूफान के कारण बदलने वाला है? हाँ, जैसे कि बात करें बिहार में जो हवा का प्रवाह है, तो जो टेम्परेचर राइज होती है यूजुअली वो आपका पछुआ हवा जो ड्राई वेस्टर्ली विंड्स रहती है उसके प्रभाव से टेम्परेचर राइज होती है। अभी बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बन रहा है, लेकिन संभावना है कि 4थे दिन से आपका पूर्वा हवा का प्रभाव धीरे धीरे बन सकता है, स्ट्रांग हो सकती है। उसके कारण से 5वें दिन, जो आज से 5वें दिन की बात कर रहे हैं, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। अगर बात करें हीट वेव के दिनों की संख्या में, तो मई के महीने में क्या है पिछले साल की तुलना में अधिक रहेंगे? और जैसा कि पूर्वानुमान की बात करें जो हीट वेव की कंडीशंस रहती है, तो एक्चुअली ये बहुत ही डायनेमिक होते हैं, जैसे कि बहुत सारे फीचर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मई के महीनों में यूजुअली टेम्परेचर है वो काफ़ी राइज भी होती है, और ये पिछले साल की अपेक्षा इस साल की बात करें तो अभी भी तक बिहार में हीट वेव का पहला स्पेल अभी शुरू हुई है मई के महीने में। और जैसा कि बता रहे हैं, फिर से आपको 4थे या 5वें दिन से हीट वेव की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और इवन आपका नॉर्मल वेदर शुरू हो जाएगी, इवन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। लेकिन जब साइक्लोन मोचा के क्रॉस हो जाने के कारण, जैसे बे ऑफ बंगाल में जब वो डाई कर जाती है, उसके बाद जो एक लल पीरियड होता है उसमें फिर दोबारा हीट वेव की कंडीशंस बन सकती है। तो कह सकते हैं कि इवन एटलीस्ट अगले करीब 1 वीक से ज़्यादा, करीब 10 दिनों के बाद ही नेक्स्ट स्पेल हीट वेव की हो सकती है, उसके पहले कोई भी संभावना नहीं है। बारिश की क्या संभावना बन रही है मई महीने में? अगर जैसे कि बात करें कि जो आपको बता रहे कि 5वें दिन थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनने की संभावना बन रही है, तो उसके बाद 2-3 स्पेल 1 या 2 दिनों के इंटरवल पे हो सकती है। तो कह सकते हैं 5वें दिन के से अगले 3 या 4 दिनों में थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बिहार में एक्टिव हो सकती है। तो सुना आपने मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर जी को। इनका साफ कहना है कि मोचा तूफान का प्रत्यक्ष रूप से कोई असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 5 दिनों के बाद इसका असर देखने को धीरे धीरे मिलेगा और थंडर स्ट्रॉम की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन तब तक के लिए बिहार में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट है, खासकर साउथ बिहार के इलाकों में, और इस दौरान 40 से 42 डिग्री
अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा और जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। ईटी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।